हैव टू से दिस ट्रूली, मुझे ये किताब भी पढ़नी थी, वक्त नहीं मिलता वक्त नहीं मिलता, मगर मैंने जब ये मेरे घर आए थे मुझे किताब देने, तब मैंने ऐसे ही पन्ने पलटने शुरू किए. मैं सच कह रही हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बुक रीडिंग पर हूँ, मगर मैं रुकना नहीं चाहती थी. इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी, इट मूव्स वेरी इंटरेस्टिंगली, इट्स रियली अ थ्रिलर एंड अ पेज टर्नर, अ ट्रू पेज टर्नर. जी, आपने कहा कि आप किताबें पढ़ती हैं, कई किताबें आपने पढ़ी होंगी, बायोपिक्स भी पढ़ी होंगी, क्या कोई ऐसा बायोपिक है किसी पर जो कि आप चाहती हैं पर्सनली उस पर काम करना? बायोपिक्स, अरे यार, मेरी फेवरेट किताबें ना कुछ स्पिरिचुअल टाइप की ज़्यादा है. मैं जो पढ़ती हूँ, मैं कुछ ऐसा पढ़ना चाहती हूँ जिससे मेरा माइंड, मेरी नॉलेज ये बढ़े, तो मैं पढ़ती कुछ ज़्यादा वो. Do you have perhaps any plans to come out with an autobiography later in the future, or I mean have you given it a thought? I have given it a thought because कोई पब्लिशर थे जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप करना चाहती हो तो प्लीज़ हमारे साथ करिए, आई वुड बी वेरी रेडी, यू वुडन्ट हैव टू डू एनीथिंग, आप सिर्फ बोलते जाइए, हम आपको रिकॉर्ड करते जाएंगे एंड देन वन डे वील कंपाइल इट ऑल. एक हिसाब से मुझे लगता है, हाँ इंटरेस्टिंग है, क्यों नहीं करना चाहिए. बहुत चीज़ें हैं जो आप मेरे बारे में जानते हैं, मगर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कभी कही नहीं. लाइफ हैज़ बीन अ वेरी eventful, I've had a very eventful life. फिर सोचती हूँ, अभी नहीं, उसके लिए वक्त चाहिए मुझे. I really like, he's very very focused कि हाँ ये अब मुझे करना है, इतना focus मुझ में अभी नहीं है. मैं थोड़ी देर रुकूँगी, मगर किसी दिन, I think yes. If you were to, do you have a title in mind for what your book would be called? I had something loosely in my head. It's a little like, it won't be, क्योंकि ये मेरी फिल्म का टाइटल नहीं है, but a little like कभी खुशी कभी गम. It's got to be the laughter and the tears, because where you've always seen me very chirpy and bright and doing mad things on screen, I've also had a very close experience of life, death, seen it all very closely. So yeah, there's a lot in my life. Someday. That's also maybe the reason. I think not just yet. I would wait just a little bit more to get, like you said, a little stronger and be a little more brave, and then yes. कुछ मुद्दों पर जैसे आपने कहा कि आप नहीं बात करना चाहती, लेकिन as an actress आपको अगर पूछा जाए कि किसी और एक्ट्रेस को किसी तरह के थ्रेट्स मिले किसी फिल्म को लेकर, तो आपको उस चीज़ के बारे में क्या I just say this, I'm not speaking of Padmavati the film, very clearly I'm not speaking of that. It was just about that the threats were to an actress, and I was only just reacting on that, saying that that is not right. Usi heroine ko aap dusri filmon mein aap dekhte hain, aap piche unke pagal ho jate hain, aap unhe, you know, aap unke poster chipka rahe hain, aap unhe itna pyar de rahe hain, itni fan following hai unki, aur उनको ऐसा थ्रेट करना, ये सही मुझे नहीं लगा. एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, फिल्म्स आर मेड बाय डायरेक्टर्स, बाय द टीम, यू आर प्लेइंग अ पार्ट. आई थिंक जस्ट फॉर दैट रीज़न आई वुड से अ लिटिल सेंसिटिविटी इज, एंड बीइंग अ लिटिल मोर, ज़रा क्या कहूँ, थोड़ा धैर्य रखें लोग, यू नो, नॉट फ्लेयर अप एंड से थिंग्स लाइक दैट, एंड दैट टू टू अ वुमन, टू अ वुमन. मैम, कल आप जयपुर में भी थी, जैसे कि आपने कहा, तो वहाँ के लोगों का क्या मूड है इस फिल्म, वहाँ के लोगों का क्या कहना है, ज़्यादा आक्रोश है फिल्म मेकर लोगों के ऊपर? मैं ऐसे, एक्चुअली मैं शादी के मौके पर गई थी, तो आई वॉज अटेंडिंग अ वेडिंग. मेरी मुलाकात राजमाता जी से हुई, and then she was just talking about films, and you know, Jodha Akbar bhi wahin par Jaipur mein film aayi gayi hai, wo kis tarah se bani thi, but then
you know, the, obviously then some of the talk happened about Padmavati, but then she was just saying something which struck me as something I had not realized, you know. You're in the movies and you don't realize ki really what kitne log aap mein se kitabe sachi mein padhte hain, kitne log history mein itna dhyan rakhte hain, magar filmon ko sab log dekhte hain. So whatever you show on screen really actually stays in the memory of people, and it can stay for many years, you don't even realize it. So she was just, you know, saying that, you know, something that is, and that's touching history, mythology, that is going to stay with people, as especially aaj kal ki peedhi ke saath, they are going to connect with this film and they're going to believe whatever you show them. So, you know, do it very responsibly, that's all. अच्छा आज सारे क्वेश्चन मुझसे ही करेंगे. किताब इन्होंने लिखी है, बुक रीडिंग इनकी किताब की हो रही थी, डॉबी जी ज्योतिन गोयल जी की, जिनकी मैंने शुरुआत अपने करियर की शुरुआत इनके साथ जहरीले फिल्म में, ऑलमोस्ट लाइक इन माय इनिशियल इयर्स आई वर्क्ड इन जहरीले हिज फिल्म, एंड ओवर द इयर्स आई वर्क्ड इन सफारी एंड अनदर फिल्म एज वेल. And you now, sang a song for Bird Idol. अरे बाप रे, मोहम्मद याद दिलाइए. बहुत बुरा तरीके से किया था मैंने, बड़ी कोशिश की थी मगर हुआ नहीं ठीक से. But yeah, it's I've had a long association with him. हाँ, मैं एक फिल्म करने वाली हूँ और वो जनवरी में शुरू हो जाएगी उसकी शूटिंग, जनवरी फरवरी मार्च तक ख़त्म भी हो जाएगी. So, विनोद चोपड़ा जी की प्रोडक्शन है, and और सारे डिटेल्स आप प्रोडक्शन हाउस से जरूर पूछ लीजिए. जुगल, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, अ लिटिल फैन बॉय क्वेश्चन, बट आई रिसेंटली सॉ पिक्चर्स ऑफ अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान टुगेदर एट आई थिंक आराध्यास बर्थडे पार्टी, एंड इट रिमाइंडेड मी कैन अ मोहब्बतें बी कंटिन्यू टुडे लाइक 20 इयर्स लेटर सिंस यू वर पार्ट ऑफ द फिल्म. आई थिंक देयर इज अ स्कोप फॉर द फिल्म टू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट. दैट इज लवली, यू विल हैव टू आस्क द राइटर, बट आई पर्सनली आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस being a part of that movie and working with these two wonderful actors, and there's nothing one can say about them that, you know, hasn't been said before, but it's a memory I'll cherish, and if ever, you know, there's a continuation of that story, I'll be more than happy to be available for it. Are you working on something? No, not currently, but I would like to. Thank you. Thank you.